फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9 लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन से ना कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे हटा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को हटाने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन करना है, ठीक है। डायल पैड में सबसे ऊपर आपको डॉट का ही ऑप्शन टैप करना है। डॉट का ही ऑप्शन टैप करेंगे तो आपका पेज आता है। इसमें कॉल सेटिंग का ही ऑप्शन टैप करना है तो आपका पेज आता है। इसमें आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है कॉल फॉरवर्डिंग, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, वॉइस कॉल वीडियो कॉल। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें कॉल फॉरवर्डिंग पहले से लग रखी है। अगर दोनों में लग रखी है तो दोनों में से आप एक एक करके हटा सकते हैं। मैं यहां पर जो है वॉइस कॉल के बारे में आपको बता देता हूं, वही सेम प्रोसेस जो है वीडियो कॉल में भी काम करेगा, ठीक है। तो देखिए वॉइस कॉल पे मैं टैप करता हूँ। अब यहाँ पे पेज आता है, ये पेज जो ना रीडिंग सेटिंग होता है थोड़ी देर तक, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। जब आपका पेज जो है ये रिफ्रेश हो जाएगा ना, तो आपको सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। देखिए ऑलवेज फॉरवर्ड पर टैप करने से पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर ये ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे मुकेश लिखा हुआ है, इस मुकेश नाम को ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये ऑलवेज फॉरवर्ड का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपका ये ऑलवेज फॉरवर्ड का पेज आता है। ये जो मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं ना, ये मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल फोन में मुकेश नाम से सेव है, सेव कर रखा है, जिसके कारण वो पीछे वाले पेज पे मुकेश नाम लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है, समझ में आ गई। तो आपको यहाँ पे नीचे सिंपली से टर्न ऑफ पे टैप करना है, तो आपका ये पेज जो अपडेट होगा थोड़ी देर आपको वेट करना होगा, ठीक है ना। जब पेज अपडेट हो जाएगा तो देखिए ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले मुकेश लिखा था ना ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे, अब यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है वो हट जाती है, यानी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इस सेटिंग के बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को हटाने से पहले ये सेटिंग कैसे काम करती थी कि जब कोई भी पर्सन अगर मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करता था तो वो कॉल मेरे मोबाइल नंबर पे नहीं आता था, वो कॉल जो है उस मुकेश वाले नंबर पे चला जाता था, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया है कि कॉल फॉरवर्डिंग को हमने हटा दिया, स्टॉप कर दिया है। तो अब इससे सेटिंग हटाने के बाद कैसे काम करेगी, अब कोई भी पर्सन जो है मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा तो वो कॉल सीधा मेरे मोबाइल नंबर पे आएगा, अब वो कॉल उस मुकेश वाले नंबर पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है हटाने के बाद ऐसे काम करती है। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन में भी जो है ना कॉल फॉरवर्डिंग अगर लग रखी है तो इस तरीके से आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लग रखी है तो इस तरीके से आप उसे इजीली कॉल फॉरवर्डिंग को हटा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे कोई भी कॉल नहीं आएगा, ठीक है ना।